एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रेवती राकेश से कहती है कि मैं तुम्हें देव के खून के इल्जाम में अरेस्ट कर रही हूं, और पुलिस राकेश को अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। रेवती भी वहां से चली जाती है बिना कुछ कहे। 3 दिन बाद दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष यहाँ पर प्रिशा से बात कर रहा होता है कि रेवती के साथ काफ़ी कुछ हो चुका है। तभी रेवती भी यहाँ पर काफ़ी उदास बैठी होती है, और यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रिशा कहते हैं कि हाँ, पहले देव की मौत, उसके बाद जज ने राकेश को भी मौत की सज़ा सुना दी है। रेवती कहती है कि ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी सज़ा है जो उसने किया है। तभी वो ऐड करती है कि मैं जानती हूँ कि कैसे मैंने अपने आप को रोका है राकेश को मारने से। राकेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत था और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। रुद्राक्ष कहता है रेवती से कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपनी लाइफ में आलिया के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी वो ऐड करता है कि क्योंकि इन सब चीज़ों ने आलिया को बहुत इफ़ेक्ट किया होगा। रेवती कहती है मैंने उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया है, और इसीलिए अब मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। प्रिशा कहती है कि तुम अकेली नहीं हो रेवती, हम तुम्हारे साथ हैं, और उसे हक करती है। बाद में रुद्राक्ष सारांश से कहता है सेशन कैसा था चैम। सारांश कहता है कि बहुत अच्छा, अब मैं और ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ अपने आप को पहले से। रुद्राक्ष उसे हक करता है। रूही भी साथ में ज्वाइन करती है, और दोनों को देख के प्रिशा और शारदा भी ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल रेवती देव की पिक्चर से बात कर रही होती है और रो रही होती है, और वो कहती है कि मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ बेटा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, और वो अपनी हाथ की नस काट लेती है। रूही और सारांश यहाँ पर कहते हैं कि हमें आइसक्रीम खानी है। रुद्राक्ष कहता है कि चलो ठीक है, मैं बाहर ले चलता हूँ। वो सबको आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता है। तभी उसे फ़ोन आता है, पता चलता है कि रेवती ने सुसाइड कर ली है। वो शारदा से कहता है बच्चों को लेकर के जाइए, और वो और प्रिशा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर रेवती से कहते हैं देखते हुए उसे रुद्राक्ष प्रिशा से कि ये डिप्रेशन में है, इसलिए इन्होंने अपने हाथ की नस काट ली। वो ऐड करता है कि रेवती ने पहले बात की थी हमसे बेहोश होने से पहले अनकॉन्शियस स्टेट में, तभी हमने आपको कांटेक्ट किया। रेवती उठती है और कहती है कि मैंने उस घर में बहुत साल बिताए हैं, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मैं वहाँ पर सफोकेटेड फील करती हूँ, इसलिए मैं अब वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अब अकेले नहीं रहना रुद्राक्ष, मैंने ये सब इसलिए किया। प्रिशा कहती है कि तुम खुराना मेंशन में रहो हमारे साथ। डॉक्टर प्रिपेयर कर देते हैं रेवती के डिस्चार्ज पेपर। प्रिशा रुद्राक्ष उसे बाहर ले जाते हैं। नर्स से भी बात करते हैं वो रेवती के मेडिसिंस को लेकर के। तभी डॉक्टर रेवती से कहते हैं कि आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि प्रिशा हो सकता है हमारा झूठ पकड़ ले, क्योंकि भूले मत वो खुद एक डॉक्टर है। तभी रेवती कहती है कि नहीं खुराना, उसको तो आइडिया तक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में अब क्या होने वाला है। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की परमिशन दी, लेकिन अब खुराना मेंशन में क्या होगा ये उन्हें नहीं पता। रुद्राक्ष और प्रिशा एक रूम दिखाते हैं रेवती को। रेवती उन्हें थैंक्स कहती है। वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना चाहती। प्रिशा उससे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। रेवती सोचती है कि अब मैं खुराना की ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, ठीक उस तरह जिस तरह से इन्होंने मेरा परिवार बर्बाद किया है। रूही यहाँ पर बात कर रही होती है रुद्राक्ष और प्रिशा की मैरिज एनिवर्सरी की, क्योंकि उसने शारदा से सुन लिया होता है। वो जाती है अपने पेरेंट्स के रूम में और कहती है आप लोगों को शादी की सालगिरह पर दोबारा शादी करनी चाहिए। प्रिशा मान जाती है, लेकिन रुद्राक्ष मना कर देता है। रूही वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रुद्राक्ष प्रसाद से कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। रेवती ओवरहेड कर लेती है इनका कॉन्वर्जेशन। यहाँ पर रेवती केक ऑर्डर करती है प्रिशा के लिए और प्रेजेंट पिलाती है, ठीक वैसे जैसे रुद्राक्ष करता है प्रिशा के लिए। तभी वो कहती है कि सॉरी, मुझे रूही की हैप्पीनेस के लिए करना पड़ा, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी री मैरिज के बारे में। रुद्राक्ष अनाउंस करता है फाइनली रेवती के कन्विंस करने पर कि वो शादी करने के लिए प्रिशा से दोबारा तैयार है। रूही बहुत खुश हो जाती है, उसे हक करती है, और रेवती सोचती है कि अब मैं तुमसे तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी प्रिशा, और वो एक नया ईविल फेस दिखाती है। वेल, यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, एंड उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल तो ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।